हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, बेटा स्कूल जा चुका है और आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो मैंने बैंगन काट के फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी डाल के चढ़ा दिए हैं। मैं भून के नहीं बनाती हूँ क्योंकि बेटी काफ़ी दिन से कह रही थी कि बैंगन का भरता बना दो, उसका दिल कर रहा था, उसे काफ़ी पसंद है। तो बस मैं भून के इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, पूरा अच्छे से चेक किया और फिर भी अंदर पता नहीं कहाँ से छोटा सा कीड़ा निकल ही आया था। तो इसलिए जब से मेरा मन ख़राब हो गया है तो मैं हमेशा काट के बनाती हूँ जब भी मेरे को बनाने होते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बैंगन रख के गैस पे सफाई करने के लिए आ गई थी। तो जितने भी कपड़े थे वो मैंने बाहर डाल दिए हैं, बस ये मेरा दुपट्टा था, ये हल्का सीला सीला, तो मैंने इसे अंदर वाले दरवाजे पे डाल दिया था। बाकी ग्रिल पे, कुर्सी पे और बाहर वाले दरवाजे पे डाल दिए थे। तो मैंने कहा आज बारिश तो नहीं है, लेकिन हाँ मौसम हो रहा है बारिश का, तो कुछ पता नहीं है, आ जाए तो फटाफट से मैं उठा के फिर इन्हें अंदर ही डाल दूँगी। बस अब मैं जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी और एक दिन छोड़ के अब मैं एक दिन डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि डेली बारिश हो रही है तो मिट्टी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, जो धूल वाली मिट्टी उड़ के आती है वो नहीं आ रही है। तो बस इसी वजह से मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, वरना मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ सीधे यहाँ पे पोछा। और पूरे घर में मॉर्निंग में ही सफाई हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, बैठने का दिल भी करता है और एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। और अभी मुझे पता है पूरे टेडी बियर धोने उतार के मैं टेडी बियर भी नहीं धो पाई हूँ क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है, फिर वो अच्छे से सूखेंगे नहीं, तो इसी वजह से मैं टेडी बियर अभी नहीं धो रही हूँ। और जो फ्लावर वगैरह हैं वो भी मैं अभी नहीं धो रही हूँ, तो मैं उन्हें बाद में धोऊंगी, क्या पता एक आध दिन में धूप निकल ही जाए। और पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज और ये देखिए मटर ली थी, मटर मैं दूसरी वाली मतलब लेने की सोच रही थी तो वो वाली सब्जी वाले भैया पे नहीं थी, ये सफल मटर थी, ये मुझे कम पसंद है। तो मैं जो हरी मटर आती है ना मैं वही पसंद करती हूँ और पूरी लाइफ में ये मैं दूसरी बार ले रही हूँ सफल मटर, वो भी मजबूरी में क्योंकि बेटी को भरता खाना है और मुझे ना थोड़ा मटर डाल के ही अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए मैंने ले ली है। और अभी इसमें से आधी मैंने रख दी है, कुछ और चीज़ बनाऊंगी तो, क्योंकि 10 रुपये के लिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि वाली मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मेरा प्याज टमाटर वगैरह सब चीज़ कट गई और यहाँ पे मैंने बैंगन को भी बहुत अच्छे से मैश कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है गैस पर, तब तक मेरा तेल जो है वो गर्म हो रहा है और कल मेरा व्रत था तो इसमें देसी घी 2 चम्मच के करीब बच रहा था, तो मैंने फिर इसीलिए कढ़ाई ऐसी की ऐसी रख दी थी। मैंने कब 2 चम्मच घी मैं कहाँ निकालूँ, मैंने कहा उसी में ही सरसों का तेल डाल के छोंक देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा जीरा हो गया था और मैंने प्याज भी डाल दी है और सुनहरे होने तक प्याज को मैं ऐसे ही भूनूंगी। तो प्याज मेरी जो है बहुत अच्छे से भून चुकी है, उसी में मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट के डाल दिए हैं और इन्हें भी मैं बहुत अच्छे से भून लूंगी पहले, उसके बाद ही मैं मसाला ऐड करूंगी। तो मेरे टमाटर भी बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, और मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है मैंने, और फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सूखा धनिया और आधी चम्मच से थोड़ा सा ही ज़्यादा है मैंने इसमें डाला है किचन किंग मसाला, और सारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से फिर भून लूंगी। और अब मैं साथ के साथ इसमें डाल रही हूँ मटर, और वैसे जब भी मैंने पहले एक बार जब बनाई थी ना मटर, तो मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी तो मैंने उसमें पहले उबाल ली थी, तो इसके लिए मैं अब थोड़ा सा डालूंगी यहाँ पे पानी क्योंकि ये मटर जो है थोड़ा अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये मटर थोड़ा सा टाइम लगाती है गलने के लिए। और ये देखिए मैंने ढक के रख दी थी और मैं चेक कर रही हूँ पानी तो थोड़ा सा ही रह गया है कि मेरी मटर गली है या नहीं गली, तो एक मटर मैं उठा के चेक कर रही हूँ तो मटर थोड़ी सी गल चुकी है और मैं थोड़ी देर ढक के इसे और पकाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ी सी कसर मुझे इसमें लग रही है। और मेरी मटर जब अच्छे से गल गई थी तब मैंने इसमें बैंगन भी ऐड कर दिए थे और ये देखिए हमारा जो बैंगन का भरता है वो बनके रेडी हो चुका है। और लोहे की कढ़ाई में जब हम बनाते हैं ना थोड़ा सा कलर तो देखिए चेंज हो ही जाता है, लेकिन लोहे की कढ़ाई में अच्छा रहता है क्योंकि सिल्वर जो है बहुत सारे लोग अब मना करते हैं कि सिल्वर जो है नुकसान देता है। और मैं जितनी भी सब्जी बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, सिल्वर की कढ़ाई में या सिल्वर के बर्तन में आपने मुझे कम ही देखा होगा। हाँ, जैसे घी निकालना हुआ या हलवा बनाना हुआ इस तरह के कामों में मैं बेशक सिल्वर का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जितनी भी सब्जियाँ हैं ना सूखी वो मैं
लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मुझे ना चटपटा सा मतलब भरते के साथ पराठा खाना है, तो इससे ज़्यादा चटपटा तो भाई मैं कुछ नहीं बना सकती, तो मैंने इसे अचार का मसाला भर दिया है और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप बैंगन का भरता लीजिए और अचार का मसाले वाला पराठा खाइए, तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। और तो बाकी मैं रोटी सेकूंगी, क्योंकि मेरी काफ़ी दिन से देखिए एक्सरसाइज बेशक नहीं हो रही है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा पतला भी होना है, लेकिन मेरी रेल बनी हुई है काम के चक्कर में, क्योंकि आपको पता ही है कि जो घर में काम फैला था तो उसको समेटने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं और बाकी जितनी भी है रोटी सेकूंगी। और यहाँ पे बेटा भी स्कूल से आ गया था, मैंने उसके कपड़े चेंज करके उसको फ्रिट्स खाने के लिए दे दिए, और यहाँ पे टीवी चला दिया था तो डोरेमोन वो देख रहा था अभी कार्टून, और मैं बस अब उसी के लिए रोटी बना रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा जब तक ये फ्रिट्स खा रहा है इसके लिए रोटी सेक देती हूँ, साथ के साथ मैं रसोई भी अब साफ़ कर दूँगी दोबारा से, क्योंकि बार बार जो है अगर एक रोटी भी बनाओ आटा थोड़ा बहुत गिर जाता है ना तो लाल चींटी आने का डर रहता है, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही गैस वगैरह और स्लिप वगैरह जो है बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और काम निपटा के मैं दोपहर में थोड़ा सा अपना फ़ोन लेके बैठी थी तो ये आ गया है। क्या लाए आज? देखो फिर से किंडर जॉय मंगाई बेटा, मैंने मना किया था ना, मम्मी बोल रही थी। मम्मी क्या बोल रही थी? किंडर जॉय मंगा ले आज भी। अच्छा झूठे, खिलौना नहीं मंगाया आपकी बार? दो दो चॉकलेट लाया था अब एकदम से नहीं खत्म करनी सारी, कीड़े लग जाएंगे दांत में। ये क्या है लॉयन। और यहाँ पे ये जल्दी आ चुके हैं तो अभी बज रहे हैं 3, और तो मैं अभी इनका खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं 10 मिनट बाद इनकी चाय बनाऊंगी, और इतने में टाइम हो जाएगा बेटे को इस ट्यूशन का, तो फिर मैं उसको ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी, तो फिर आके मैं दोबारा से फिर बर्तन वगैरह करूंगी। अनु ले दीदी की है बेटा वो है? नहीं दीदी देख तेरे में क्या निकला। तो यहाँ पे उसने अपनी दीदी को चॉकलेट दे दी है, और ये देखिए पहले उसने अपना तो देख लिया क्या निकला है, और अब दीदी के लिए देखने के लिए बेचैन है कि उनके में क्या निकला है, अगर वो उसके में अच्छा निकलता है ना तो उसका टॉय भी ले लेता है। तो बच्चों को ना अभी देखो चॉकलेट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन हाँ उनको टॉय देखने का मन है, तो दोनों ने सबसे पहले ही टॉय देखते हैं, तो होता ही है बच्चों में ये चीज़ें ना, और जब ये देख लेंगे कि भाई हाँ अब ये निकला है उसके बाद फिर ये चॉकलेट खाना शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 4:30, और बस मैं बेटे को अभी ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, आते ही जैसे मैंने घर में एंट्री करी बस चाय बनने रखी थी कि एकदम से फिर से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, और छठा दिन है बारिश को रुकने का नाम नहीं है, किनमिन पूरे दिन लगी हुई है। और मुझे जाना था आज कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि कल श्राद्ध का आखिरी दिन है, मावस है, तो मैं पितरों के नाम का निकालती हूँ पैरावनी, तो वो मुझे अभी लेने जानी थी, लेकिन मैं क्या करूँ बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है और सुबह से ही हो रही थी, 3 दिन से तो मतलब लगातार ही है किनमिन, तो मैं और कीचड़ की वजह से सब्जी भी मैं यहीं से ले लेती हूँ, मंडी भी नहीं जा रही हूँ, अब क्या करूँ, ये रुके तो मैं जाऊँ लेने के लिए, क्योंकि वो काम तो ज़रूर करना ही करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, इतने में अभी चाय वगैरह पीती हूँ, फिर थोड़ी देर में बेटे को लाने का टाइम हो जाएगा, उसको लेने जाऊँगी, और फिर देखती हूँ अगर टाइम मिला और थोड़ी बहुत अगर बारिश रुकती है तो ये काम तो मुझे आज ज़रूर करना ही करना है, और जब मैं लेके आ जाऊँगी तब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और ये देखिए ट्यूशन से आते के साथ ही इसने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन बारिश हो रही थी तो वो लेके नहीं गए, लेकिन उन्होंने घर में ही ऑर्डर करवा दिया था, तो घर में पिज़्ज़ा आ चुका है। क्यों मंगाया बेटा आज भी? दिल कर रहा था, पिछले संडे भी खाया था ना? और तूने सिर्फ 2 टुकड़े खाए थे और सारा पिज्जा छोड़ दिया था। हाँ मैं खाऊंगा।
कॉर्न वाला मंगाया इसने आज। पूछ ले कितने आए? दो। दो मंगाया, एक नीचे दिया है। दादा दादी खा रहे हैं आज? खा रहे हैं या कुछ और मंगाया है? क्या मंगाया? ए देख ले, गिरा दिया, गिरा दिया। नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं गिरा, मैं अपने आप उठा लूंगी। क्या मंगाया दादा दादी के लिए? बर्गर। चलिए फ्रेंड, जब तक बच्चे पिज़्ज़ा खाते हैं मैं मार्केट से अपना सामान ले आती हूँ, क्योंकि बारिश नहीं लग रहा रुकेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में।